हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलीनोमियल से कराएंगे। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट कराएंगे गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, पी ऑफ पावर 2 है। इसे एक्सप्रेशन बोलेंगे फॉर द लेंथ एंड विड्थ। इसमें से लेंथ और विड्थ निकालनी है। एरिया रेक्टेंगल का दिया हुआ है। जैसे ये आपका एरिया है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या आएगा, ये लेंथ आएगी और विड्थ आएगी। वही हम पॉसिबिलिटीज लेंथ और विड्थ की निकालनी है। तो यहाँ पर 25 ए स्क्वेयर और सम इसका कितना चाहिए, सम चाहिए हमें -35 और प्रोडक्ट कितना चाहिए 25 × 12, ये प्रोडक्ट चाहिए। तो 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 12 का 5 से करो 66 और 12 2 = 24 तो हम यहाँ पर सम -35 चाहिए, बीच का जो नंबर है 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 60 = 24 ये आ गया 30। प्रोडक्ट हमें चाहिए कितना 300, प्रोडक्ट हमें 300 चाहिए और सम चाहिए -35। तो हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए, तो हम इसके दो फैक्टर्स क्या ले सकते हैं, -20 और -15। ये ले लें -25 और -15, इनको प्लस करो तो प्लस करेंगे तो ये आपका माइनस का 35 आएगा और 20 यहाँ पर -20 -15 -35 सम आ गया इतना। और अगर हम -20 का -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ये प्रोडक्ट आ गया। तो ये हमारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। हम ब्रेकअप करेंगे 35 का, 25 ए स्क्वायर एज इट इज आएगा, -35 को हमने लिख लिया, क्या लिखेंगे यहाँ पर -15 ए और -20 ए और +12। देखेंगे आप -15 -20 मिलकर के -35 -15 और -20 का मल्टीप्लाई 300। तो हमने इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पर 5 ए कॉमन आएगा, 5 5 जा 25, ये 5 ए बचेगा, 5 कॉमन चला गया, 5 3 या 15, ए भी बाहर चला गया, तो यहाँ 3 बचेगा। अब इसमें से माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन है तो 4 कॉमन है, 4 5 जा 20 और ए बचेगा। प्लस से माइनस बाहर आएगा, साइन बदल जाएगा, -4 3 या 12। अगर आपकी वर्किंग सही है तो ए वाला फैक्टर इस फैक्टर के इक्वल आता है, तो 5 ए -3 हम कॉमन ले लेंगे फिर से, तो यहाँ पर 5 ए -4 दो फैक्टर्स हैं। तो ये दो फैक्टर्स में क्या हुआ, एक लेंथ होगी एक विड्थ होगी। बस ये आप सोचो कि 25 को क्या लिख सकते हैं अपने मन में, 5 × 5 तो 5 इसमें आ गया। 35 को अपने मन में क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 तो 5 कॉमन दिख गया कि नहीं, तो डायरेक्ट हमने निकाल लिया। ऐसे यहाँ पर 4 है तो इसमें क्या है 3 × 4 और इसमें 4 × 5 20 को लिख लेंगे और 12 को 3 × 4 तो 4 कॉमन दिख रहा है ना। वे समझने के लिए हमने आपको किया है। अब इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉसिबिलिटीज़ देखिए कैसे आपकी आएंगी। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लिखनी है तो वो पॉसिबिलिटीज़ आंसर आंसर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, लेंथ और विड्थ ये दो हैं। अगर आपने लेंथ लिया 5 ए -3 तब विड्थ क्या होगा 5 ए -4। इंटरचेंज करो, 5 ए -4 अगर लेंथ लेते हैं तो विड्थ 5 ए -3, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर ये गुणनखंड मतलब फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के। तो ये आपका आंसर आ गया और इसको इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज दो बनेंगी, लेंथ 5 ए -3 तब विड्थ 5 ए -4 और विड्थ 5 ए -4 लेंगे तब लेंथ ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। ये पॉसिबल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, 35 / 2 +13 / -12 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो इसे फैक्टर्स करने हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, ये मिडिल टर्म 13, सम चाहिए हमें 13, प्रोडक्ट क्या चाहिए फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट वाला, फर्स्ट 35 है लास्ट -12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 420।
तो 13 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो 13 को दो पार्ट हो जाएंगे, एक होगा 28 और एक होगा आपका 15। 28 में से 15 जाएगा, तो 13 आ गया सम, और इनका 28 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 420। ये प्रोडक्ट है। ये नंबर्स मिले कहाँ से? प्रोडक्ट किसका चाहिए? फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कॉन्स्टेंट का। 35 × 12 420। 420 को 2 से डिवाइड करोगे 210, फिर 2 से डिवाइड करोगे 105, 5 से डिवाइड करोगे 21 और 3 7 = 21। अब आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, इसे रीअरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सूटेबल, और उसे मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स चाहिए जिनका सम चाहिए आपको 13, प्रोडक्ट 420। तो हमने 28 कैसे निकाला? हमने 7 × 14 और 14 × 28 इसको एक साथ मल्टीप्लाई किया और 5 × 15 को एक साथ, तो 28 और 15 दो नंबर्स हमने यहाँ से फैक्टर से लिए। 28 में से 15 जाएगा 13, यही तो हमें सम चाहिए था, और 28 माइनस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40 आ जाएगा, 420। तो अब हम इसको ब्रेकअप करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 35 बाय स्क्वेयर, 13 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ 28 बाय माइनस 15 बाय और माइनस 12 एज इट इज। इसका ब्रेकअप हो गया 13 का, 13 को आपने क्या लिख लिया, 13 को आपने लिख लिया 28 बाय माइनस 15 बाय 13 बाय हो गया। अब यहाँ से देखिए बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं, तो इसमें बड़ा नंबर क्या है, इसमें 7 है, 7 फोर जा 28, 7 और ये 75 जा 35, तो सबसे बड़ा नंबर 7 कॉमन है, तो 7 डायरेक्ट कॉमन ले लो, एक बाई आ जाएगा, 75 जा 35, ये 5 बचा एक बाय, प्लस 74 जा 28, 7 चला गया तो 4 बचा, ये फैक्टर्स है। आगे माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 12 को अपने मन में क्या लिखो 3 × 4 और 15 को क्या लिखोगे अपने मन में 3 × 5, तो सबसे बड़ा कॉमन इसमें 3 है, तो माइनस 3 कॉमन ले लो, 3 × 5 = 15, यहाँ से पता लग रहा है 5 और बाई बचेगा, माइनस जब बाहर आता है तो साइन बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 चला गया, 3 × 4 = 12, ये 4 आ गया, यहाँ से वैसे भी पता लग रहा है 3 बाहर चला गया 4। अगर आपकी वर्किंग सही है तो आपका ये टर्म इक्वल आएगा, 5 × 4 यहाँ आ रहा है, 5 × 4 यहाँ आ जाएगा, 5 × 4 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ गया आपका 7 बचा माइनस 3। अब इसके हमें पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है, तो पॉसिबिलिटीज़ में क्या होगी, लेंथ होगी और विड्थ होगी, तो लेंथ कितनी है यहाँ पर, अगर हमने लेंथ ले लिया 5 × 4 तो विड्थ कितनी आ जाएगी आपकी 7 × 3 आ जाएगी, 7 × 3 बदल दी 7 × 3 तो ये 5 × 4 आ जाएगी, तो पॉसिबिलिटी दो आ गई। अगर इसको लेंथ लेते हैं 5 × 4 को तो विड्थ 7 × 3 और 7 × 3 को विड्थ लेते हैं तो लेंथ 5 × 4 आ जाएगी। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों पार्ट्स इसी वीडियो में करने के लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द कीवर्ड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। V4 वॉल्यूम दिया है 3x² - 12, इसकी डायमेंशंस जो आपका कीवर्ड है, जैसे मान लो ये आपका कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड है, तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, इसकी डायमेंशंस होंगी एक लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट, तीन डायमेंशंस होंगी लेंथ, विड्थ और हाइट, तो कैसे निकलेंगी वो, अब हमने इसके फैक्टर्स करने हैं, तो इसमें से 3x², इसको क्या लिख लो 3 × 4, अब इसमें से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन है या x भी है, ये x है तो 3x कॉमन है, एक x बचेगा, 3x कॉमन चला गया 4। अब यहाँ से तीन डायमेंशंस आ जाएंगे, तीन डायमेंशंस कौन कौन सी हैं वो देखिए आप, एक लेंथ होगी और एक आपकी विड्थ होगी और एक आपकी हाइट होगी, क्यूबॉइड है 3 डायमेंशंस, 1 इज लेंथ, लेंथ को अगर आपने 3 ले लिया तो ये विड्थ आ जाएगी x, ये x माइनस 4 आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × x × x − 4। अगर हम इसको लेंथ लेते हैं, इसको विड्थ, इसको हाइट, अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसे इंटरचेंज करो, यहाँ x आ गया 3, x माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा, अब x x-4 इधर ले लो
थ्री इधर आ जाएगा, ए भी पॉसिबिलिटी है। एक्स माइनस फोर पहले ले लो, एक्स बाद में, ए भी आपकी पॉसिबिलिटी है। अगली पॉसिबिलिटी है वो आपकी क्या आएगी, एक्स पहले, एक्स माइनस फोर, थ्री इधर ले लो, एक्स इधर आ जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी आ सकती है आपकी, ये थ्री आगे आ जाएगा और यहाँ एक्स माइनस फोर और ये एक्स, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। लेंथ थ्री, विड्थ एक्स और हाइट एक्स माइनस फोर, इसे इंटरचेंज कर दिया, एक्स विड्थ थी वो लेंथ ले ली, लेंथ थी वो विड्थ, ये एडिटिव। फिर हमने एडिटिव इसको इंटरचेंज किया एक्स माइनस फोर ए थ्री, फिर हमने एडिटिव इसको इंटरचेंज किया एक्स, इसको इंटरचेंज कर दिया और थ्री वही है, एक्स माइनस फोर यहाँ आ गया एक्स। इस तरीके से हमने इंटरचेंज करके ये हमारी पॉसिबिलिटीज आती हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, दिखा दो वहाँ पे दिए बैठा है कुछ नहीं पढ़ी। दो क्वेश्चन ही करने आज, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12ky² 8ky - 20k, ये एलजेब्रिक आपका एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। अब इसमें से देखिए 20 को क्या है, 20 को इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, ये 4 × 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 12, 12 को क्या लिखा, 4 × 3, 8 को 4 × 2, और 20 को 4 × 5, लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो 4 सब में से कॉमन है, 4 कॉमन है और सब में से k कॉमन है, तो 4k कॉमन आ गया, तो 4 × 3 = 12, 3y² बचा, 4 × 2 = 8, ये 4 चला गया, 4 चला गया, 4 × 2 = 8, 2 के बाहर y, और माइनस 4 बाहर चला गया, तो 4 × 5 = 20, ये 5 के बाहर चला गया। अब हम इसके मिडिल टर्म तोड़ लेंगे, इसके मिडिल टर्म तोड़ेंगे 3y² + 12y - 5, इसका सम हमें चाहिए कितना 2, और प्रोडक्ट कितना चाहिए इसका हमें 3 × -5, तो 3 × -5 मतलब -15, ऐसे दो नंबर चाहिए हमें कि 2 की जगह आप उनको लिख सको, सम आए 2, प्रोडक्ट आए 3 × -5 = 15, तो ये अलग दिख रहा है, एक नंबर आ जाएगा 3, एक 5 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, इसके फैक्टर्स बन गए। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3y² और 2y को हम क्या लिख देंगे, 2y को हम लिख देंगे 3y - 5y - 5 LED। देखिए 3y - 5y, 3y - 5y, 3 में से माइनस 5 जाएगा प्लस 2, तो यहाँ प्लस का 2 चाहिए, तो हम इसको -3y करेंगे और इसको प्लस ले लेंगे, बड़ा नंबर प्लस का होगा, तो 5 में से 3 गया, तो यहाँ पर माइनस का 3 ले लो, ये 5 पॉजिटिव ले लो, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, -3y + 5y, 5y में से 3y जाएगा 2y, और -3 और 5 का मल्टीप्लाई -15, तो इतना हमें सम और प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें से 3y कॉमन है, 1y बचेगा, -1, जब 3y चला गया तो 1 तो सबका प्रोडक्ट होता है ना, कोफिशिएंट, तो 1 बचेगा, अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो इनटू 1 लिख दो, तो यहाँ से आपका 5 कॉमन आ जाएगा, प्लस 5, तो यहाँ y बचेगा, -5 चला गया 1। अगर आपकी वर्किंग सही है तो यहाँ पर ये सेम फैक्टर आता है, y-1, y-1, अगेन यू विल टेक y-1 एज अ कॉमन,
y माइनस वन कॉमन, तो यहाँ से 3y प्लस 5 आएगा। अब दो फैक्टर ये हैं, तीसरा फैक्टर क्या था शुरू में चला आ रहा था ये वाला, तो ये 4k लिखेंगे और एक फैक्टर क्या है y माइनस वन और एक फैक्टर क्या है 3y प्लस 5। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ से 4k कॉमन लिया, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 बचा, इसके मिडिल टर्म तोड़ लिए, 2y को लिख दिया माइनस 3y प्लस 5 पाए, 3y कॉमन ले लिया y माइनस 1, 5 कॉमन y माइनस 1, y माइनस 1 फिर कॉमन, तो 3y प्लस 5, और 4k पहले से चला आ रहा था, ये 4k। अब पॉसिबिलिटीज लिखेंगे, अब हम यहाँ पॉसिबिलिटीज लिखेंगे, अब हम यहाँ लेंथ लिखेंगे, लेंथ एक में आएगी, एक ब्रैकेट में विड्थ आएगी और एक में हाइट आएगी, ये तीन आपने कॉलम बना लिए। अगर लेंथ 4k ले रहे हैं तब विड्थ क्या होगी आपकी y माइनस 1 और हाइट क्या होगी 3y प्लस 5। ये जो क्यूबॉइड है थ्री डायमेंशनल है, जिस रूम में बैठ रहे ना आप उसमें एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट है। अब पॉसिबिलिटी क्या, y माइनस 1 इधर एडजस्ट करोगे तो 4k एक पॉसिबिलिटी है, 3y प्लस 5 एज इट इज आ गया। अब फिर इंटरचेंज करो, अब 4k, अब y माइनस 1 4k, 3y प्लस 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 4k को एडजस्ट कर दो, मतलब एक दूसरे से मिले नहीं और वो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, ये 4k आ गया। अब क्या बनेगा, 3y प्लस 5 आगे ले लो, ये y माइनस 1 और 4k, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, और एक पॉसिबिलिटी और क्या बनेगी, 3y प्लस 5 4k आगे ले लो y माइनस 1। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और भी बन सकती हैं, एक दो और भी बन सकती हैं, इतनी सफिशियंट है, ये आपका आंसर है। तो आपने सबसे पहले आपने क्या निकाला, 12 को लिखा 4 into 3, 8 को 4 into 2 और 20 को 4 into 5, अपने मन में लिखा, 4k कॉमन ले लिया, यहाँ से 3y square बचा, यहाँ से 2y, यहाँ से माइनस 5, 2y को आपने क्या लिख दिया माइनस 3y प्लस 5y, माइनस 3 प्लस 5 करेंगे 2 मिडिल टर्म, स्प्लिट करेंगे सम 2, प्रोडक्ट माइनस 15 चाहिए, तो माइनस 3 और 5 का मल्टीप्लाई माइनस 15। हमने 3y कॉमन लिया y माइनस 1, 5 कॉमन लिया y और 5 चला गया, तो बन तो सबका कोएफिशिएंट होता है y माइनस 1, अगर वर्किंग सही है तो यहाँ y माइनस 1 ये फैक्टर y माइनस 1 दोनों सेम होंगे, y माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3y प्लस 5, 4k एक पहले से फैक्टर था, दो फैक्टर से आ गए, एक लेंथ विड्थ और हाइट हो गई, इनको हमने आपस में इंटरचेंज किया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट और 16 के दोनों पार्ट इस वीडियो में किए हैं। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज हुई फिनिश। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स गॉड, जय हिंद जय भारत।